बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू साथियों सबक नंबर 3, नवाब मोहसिनुल मुल्क। तो आज नवाब मोहसिनुल मुल्क का हम खुलासा और उसके अहम नुकात और उसकी तशरीह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, नवाब मोहसिनुल मुल्क कौन थे। नवाब मोहसिनुल मुल्क का तारुफ सबसे पहले जी का असल नाम नवाब सैयद मेहदी अली खान के। नवाब मोहसिनुल मुल्क का जो असल नाम है सैयद मेहदी अली खान है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के करीबी दोस्त, तो इस बात से जाहिर होता है कि सर सैयद के अलावा जो सर सैयद के उस वक्त के जमाने के जितने भी लोग थे उनमें नवाब मोहसिनुल मुल्क भी उनमें शुमार होता था। तो नवाब मोहसिनुल मुल्क सर सैयद के दोस्त थे। उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी, अलीगढ़ कॉलेज जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने रखी, जो पहले कॉलेज के दर्जे पर था, फिर कॉलेज के दर्जे पर तरक्की करने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचा। तो इसमें यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाने में जिस शख्सियत ने अहम किरदार अदा किया वो नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी, तो मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हिंदुस्तान में दो बड़ी जमातें थी, तो उनमें जो मुस्लिम लीग के उनके जनरल सेक्रेटरी भी नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। तो उसके बाद मुसलमानाने हिंद पर एहसानात के नवाब मोहसिनुल मुल्क ने जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उन पर बहुत ज्यादा एहसानात किए। उसके बाद जी मुसन्नफ के तारुफ की तरफ चलते हैं। मुसन्नफ है मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबा उर्दू भी कहा जाता है। कि बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, बाबा उर्दू इसलिए कहा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक ने अपनी सारी जिंदगी जो है वो उर्दू की खिदमत के लिए जो है वो वक्फ कर दी, और इन्होंने उर्दू की खातिर जो है शादी तक ना की। और जब इनसे पूछा गया कि आप शादी क्यों नहीं करते, तो कहते हैं कि मेरी उर्दू से शादी हो चुकी है। उसके बाद शिबली नुमानी और प्रोफेसर आर्टर के शगीर के, अब उस वक्त के जो बड़े बड़े उस्ताद जैसे शिबली नुमानी और प्रोफेसर आर्टर जैसे असातिज़ा से जो है वो तालीम हासिल की। उसके बाद नवाब मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी के, ये नवाब मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी भी रहे। यहाँ एक बात बताता चलूं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क का जो खाका मौलवी अब्दुल हक ने पेश किया है, एक खाका होता है कि किताबें पढ़ के या दूसरों से बातें सुन के जो है वो किसी शख्सियत के बारे में लिखना, लेकिन मौलवी अब्दुल हक ने खाका नवाब मोहसिनुल मुल्क के साथ जिंदगी गुजारी। और जो बंदा जिंदगी साथ गुजार कर मुशाहदात को अच्छे तरीके से बयान कर सकता है वो कोई और नहीं बयान कर सकता। उसके बाद जी अंजमन तरक्की उर्दू की बुनियाद यानी सदर के, अंजमन तरक्की उर्दू के जब उर्दू की मुखालफत शुरू हुई तो उस वक्त अंजमन तरक्की उर्दू जो है उसकी बुनियाद रखी, और पहले जो सदर थे वो भी मौलवी अब्दुल हक थे। और अहम खाका नगार के उर्दू में, खाका नगारों में सबसे बड़ा नाम है वो मौलवी अब्दुल हक का है। अब सबक के अहम नुकात की तरफ चलते हैं कि सबक के अहम नुकात के हर पहले की मैंने हेडिंग्स बना दी है। कि सबसे पहले अब जब भी चैप्टर शुरू करते हैं नवाब मोहसिनुल मुल्क का, तो सबसे पहले जो पहला कह रहा है उसमें नवाब साहब की खूबियां खाके को बयान किया जाता है। दूसरा जो पहला है मुख्तसर सा पहला है, उसमें महज जाती औसाफ यानी उनकी सिफात का जिक्र है कि कौन कौन सी उनमें खूबियां पाई जाती है। अगर हम तीसरे पहले की बात करें तो उसमें नवाब साहब और हैदराबाद दक्कन का जिक्र है कि नवाब मोहसिनुल मुल्क जो है उन्होंने हैदराबाद दक्कन में रहकर कौन कौन से काम किए। उसके बाद मुसलमानों का मजहबी जज्बा जो इससे अगला पैरा है, इसमें मुसलमानों के जो जज्बी मुसलमानों का जो मजहबी जज्बा है उसके बारे में बयान किया गया है। उससे जो अगला पैरा है वो बेहतरीन मुकर्रर यानी तकरीर करने में वो महारत उनको हासिल थी। उसके बाद जी दूसरों से काम लेने का सलीका कि किस तरह वो दूसरों से काम लेते थे चाहे उनके दुश्मन ही क्यों ना हो। उसके बाद जी मुताले का शौक, और सबसे आखिरी पैरा जी नवाब साहब और सर सैयद अहमद खान। आप ये हमारे खुलासे के हवाले से अहम नुकात, अगर हम इन अहम नुकात को याद कर लें तो हमारे खुलासे की तरतीब और खुलासा याद करने में भी हमें आसानी होगी। अब दिए गए जो पहले हैं उनमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट बनाए हैं,
ताकि आपको तशरीह करने में और खुलासा याद करने में जो है वो आसानी पैदा हो। सुर्ख मार्कर के साथ मैंने हेडिंग दी है और स्याही जो आपके सामने ब्लैक मार्कर है उसके साथ मैंने हेडिंग बनाई है। तो सबसे पहले जो हमने हेडिंग बनाई थी हम मुकाब में नवाब साहब की खूबियां और खाका सबक का जो पहला पैरा है उसमें वजाहत का उनका जिक्र करते हैं, जहानत का, खुश बयानी का, फयाजी इसमें बाबू समा का खिताब, पारस पत्थर की खासियत, मुखालिफीन से काम निकलवाने का सलीका कि अगर हम पहला पैरा करें तो वजाहत यानी वो खूबसूरत थे, जहानत से वो जहीर थे, खुश बयानी यानी वो बोलने का उनको सलीका था, खुश बयान थे। उसके बाद फयाजी यानी सखावत करते थे, इसमें बाबू समा का खिताब कि पहले वक्तों में जब भी बच्चा पैदा होता था उनके नाम जो है वो बिना सोचे समझे रख दिए जाते थे कि बच्चा बड़ा होगा तो इसकी जो हरकत है वो नाम के हिसाब से होंगी, लेकिन नवाब साहब का जब नाम रखा गया तो बिल्कुल वही जो नाम का मतलब था वही खूबियां नवाब साहब में पाई जाती थी। और पारस पत्थर की खासियत से मुराद की वो खूबी कि जब भी किसी से बात करते थे यानी सलाम सलाम में चलते चलते बंदे का जो है वो हाथ रियाफ्त कर लेते थे और जो भी बंदा एक दफा उनसे सलाम ले लेता था तो वो शख्स को अपना जो है वो अपना बना लेते थे। उनमें ये खासियत थी कि जिसको हाथ लगाते जिससे भी बात करते उसे अपना बना लेते थे। और मुखालफीन से काम निकलवाने का सीखा कि आपको बोलने का अंदाज ऐसा था कि मुखालफीन चाहे जितने आपके मुखालफीन हो लेकिन आपको इस अंदाज से मुखालफीन से मुखातिब होते थे कि मुखालफीन ना चाहते हुए भी आपका जो है वो काम कर देते थे। उसके बाद जी महज जाती वसाब दूसरा पहरा है, छोटा सा मुख्तसर पहरा है, उसमें नवाब मोहसिन उल्लाह की जो खूबियां हैं उनका जिक्र है कि जोहर काबिल यानी वो इंटेलिजेंट थे, ज़हीन थे। उसके बाद तदब्बुर यानी सियासत आनी यानी उनको सियासत बहुत ज्यादा आती थी, तदब्बुर वाकियात पर अबूर, काबिलियत का लोहा मनवाया, अहले हैदराबाद पर एहसानात और नज़्म व नस्क के दूसरा पहला जो है उसमें बताते हैं कि जो नवाब मोहसिन मुल्क है वो बहुत सियाने थे, उनको सियासत बहुत आती थी, अकलमंद थे, वाकियात पर अबूर था। वाकियात पर अबूर से मुराद ये है कि वाकियात पहले ही भांप लेते कि मामला क्या है और बड़े बड़े जो मुश्किलात थे बड़े बड़े मुश्किलात जो बातें थी उनको बड़े मुख्तसर और बड़े आसान जो हल में वो है उसको हल कर लेते थे वाकियात को मुश्किलात को। उसके बाद जी काबिलियत का लोहा मनवाना कि हैदराबाद में बहुत लाइट फाइट थे, जितने भी पढ़े लिखे थे जितने भी बड़े लोग थे लेकिन नवाब साहब की काबिलियत को मानते थे। उसके बाद अहले हैदराबाद पर एहसानात कि आपने अहले हैदराबाद पर बहुत सारे एहसानात किए, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे उनके जो महकमे थे उनको तरक्की दी और नस्म नस्क यानी एक निजाम के तहत जो है हैदराबाद दक्कन का जो सिलसिला है उसको चलाया। उसके बाद है जी मिस्र के नमूने पर, मिस्र के नमूने पर रियासत का बजट के जो सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने हैदराबाद का जो बजट है वो मिस्र के ऐन नमूने के तहत बनाया। उसके बाद बंदोबस्त का महकमा, फाइनेंस का महकमा और माल गुजारी के आपने टैक्स इकट्ठा करने का जो महकमा है उसको जदीद किया। माल गुजारी भी तकरीबन उसी जिम्मे में आ जाता है कि टैक्स को किस तरह इकट्ठा किया जाता है और लोगों की फलाह पर किस तरह पैसा जो इकट्ठा किया उसको लगाया जाता है। उसके बाद जब तीसरे अगर पहले की बात करें तो नवाब साहब और हैदराबाद दक्कन के, नवाब साहब और हैदराबाद दक्कन में इनका क्या मुकाम था तो हर हैदराबाद की हर दिल अजीज शख्सियत के हैदराबाद में बहुत से लोग थे लेकिन हर बंदे की हर जो इंसान है हर मर्द औरत बच्चा हर इंसान जो है वो नवाब हुसैन मुल्क को जानता था। उसके बाद खुश आमदी तबके का किरदार कि उसमें बताते हैं कि खुश आमदी जो तबका होता है वो अगर कोई बंदा या इंसान किसी डेजिग्नेशन पर होता है किसी ओहदे पर होता है तो बहुत से लोग उसके ओहदे की वजह से उसकी इज्जत करते हैं। उसके बाद मनसब की महरूमी के बाद असल मुकाम मरतबा कि नवाब साहब वो शख्सियत नहीं है कि अगर वो मुकाम मरतबे पर थे तो लोग उनकी इज्जत करते थे बल्कि जब नवाब हुसैन मुल्क अपने मुकाम और ओहदे से बर्दार हुए उन्होंने छोड़ा रिटायर्ड हुए तो उसके बाद उसी तरह लोग उनकी इज्जत और एहतराम करते थे जिस तरह वो मनसब पर थे। उसके बाद रुखसत के वक्त हर आंख अष्ट बार, यहाँ पे बच्चे रुखसत के वक्त यानी वो हैदराबाद छोड़ने की बात नहीं होती, रुखसत से मुराद इस दुनिया से जाना कि जब नवाब मोहसिन मुल्क मरहूम मौत थे मौत के करीब थे इस दुनिया से चले गए तो हर बच्चा क्या यतीम क्या बूढ़ा क्या हर
हर इंसान के आंखों में आंसू थे। ये वही वजह थी कि इन्होंने जिस शख्सियत के लिए भी काम किया, चाहे वो छोटा हो, बूढ़ा हो, यतीम हो, हर छोटे बच्चे का, हर बंदे का उन्होंने काम किया, हर बंदे की वो बात सुनते थे। इसलिए हर इंसान जो है नवाब मुस्लिम मुल्क से मोहब्बत करता था। जब वो इस दुनिया से गए तो हर तरफ यही शोर था कि नवाब जो है इस दुनिया से चले गए और हैदराबाद आके जो है आज अपने बाप से महरूम हो गया। उसके बाद तीसरा पहला मुसलमानों का मजहबी जज्बा, इसमें मुसलमानों का मजहबी जज्बे का बयान है कि उस वक्त जब नवाब मुस्लिम मुल्क का जमाना था, मुसलमानों का जो मजहबी जज्बा था वो काफी हद तक बढ़ा हुआ था, क्योंकि मुसलमान जो है वो दौलत, इकबाल, जाह, सरवत जो है इनका छीन जाना, कि उस वक्त मुसलमानों के पास ना दौलत थी, ना मुकामो मर्तबा था, कुछ भी नहीं था। अगर उनके पास कोई चीज थी तो वो मजहब था। अगर कोई भी शख्स उनके मजहब के खिलाफ जो है वो बात करता तो मुसलमान जो है वो भड़क उठते। उसके बाद दोस्तों का करना कि नवाब मुस्लिम मुल्क के जो दोस्त थे उन्होंने उस वक्त मुसलमानों का साथ दिया, और कोई भी तहरीर लिखते तो उसमें, उन तहरीरों में, उन मजामीन में मुसलमानों की इस्लाह के लिए जो है वो कुछ ना कुछ बयान करते, और उस वक्त के जो मुसलमान थे उन मजामीन के जरिए उनको जो है उनके अंदर उन्होंने शौर को उजागर किया, यानी दोस्तों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद खालिस मजहबी तस्नीफ, यानी नवाब मुस्लिम मुल्क ने बहुत सी तसानीफ लिखी, लेकिन उनमें एक इनकी मजहबी तसानीफ थी आयात बिन्नात, यानी 1870 में ये शाया हुई थी। उस वक्त नवाब मुस्लिम मुल्क ने इसमें मजहबी मजामीन जो है सिर्फ उनको ही लिखा और मुसलमानों के अंदर मजहबी जो शौक था उसको बेदार किया। उसके बाद अंग्रेजी से लगाव, क्या आपको अंग्रेजी से बहुत लगाव था? अंग्रेजी जानते नहीं थे, लेकिन किसी से तर्जमा करा कर जो है वो अंग्रेजी पढ़ते और समझते थे मजामीन में मगरबी ख्यालात की तर्जमानी, के अब एक शख्स जो है उसको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके सुनते थे और समझते थे। फिर इनके मजामीन, अगर हम नवाब मुस्लिम मुल्क के मजामीन पढ़े तो इनके मजामीन में अंग्रेजी जो है उसकी तर्जमानी नजर आती है, कि जिस तरह एक अंग्रेजी मुफक्कर सोचते हैं, उस ख्यालात को बयान करता है अपने अल्फाज में, इसी तरह नवाब मुस्लिम मुल्क जो है वो अपने ख्यालात को बयान करते थे, और इनके मजामीन में भी अंग्रेजी की वो शऊर और वो जो फिक्र है वो पाई जाती थी। उसके बाद बेहतरीन मुकर्रर, यानी तकरीर करने वाला, यानी शीरनी और दिलकश आवाज, कि आपकी जो जुबान थी, आपके जो अल्फाज थे वो बड़ी बड़े खूबसूरत थे, यानी मिठास थी आपकी जुबान में, कि हर बंदा जो है वो आपको सुनने के लिए बेताब होता था। उसके बाद जहान और लियाकत, कि आप जहीन भी थे और समझदार भी थे, हर इंसान जो है आपकी जहानत और लियाकत का कायल था, और कायल करने की सलाहियत, कि आपको बोलने के इतना ढंग था, इतना सलीका था, कि हर बंदा जिससे भी बात करते, जिस मौजू पर भी बात करते, अगले बंदे को जो है वो कायल कर लेते थे। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी की हमारे बदरुद्दीन तैयब जी पहले में जो है एक करेक्टर है जो सैयद के दोस्त थे, पहले दोस्त थे, बाद में मुखालिफ हो गए, लेकिन नवाब मुस्लिम मुल्क ने इनके सामने एक ऐसी पुरदर्द तकरीर की कि दोनों आप दीदा हो गए। उसके बाद दोनों में सुलह होगी, और फिर नवाब मुस्लिम मुल्क ने बदरुद्दीन तैयब जी से ग्रह कर अतिया वसूल किया कि एक दोस्त रंजिश को खत्म करके दोस्ती की तरफ लाना, और फिर उसी दोस्त से जो है वो अतिया वसूल करना। उसके बाद आवाज में जादू, कि आवाज में ऐसा जादू था कि जलसों को कंट्रोल करने की सलाहियत, कि अब आवाज में जादू होने की वजह से कि जलसे का जो निजाम नरम भरम हो जाता, कि जलसे में कितने लोग होते हैं और कभी किधर शोर है, कभी किधर है, लेकिन आपकी आवाज में ऐसा जादू था कि जिसको इच्छाते थे हंसा लेते थे, जिस वक्त चाहते थे रुला देते थे, कि ये आवाज थी, ये अल्फाज का चुनाव था, ये इनकी आवाज में जादू था, कि जो बड़े बड़े जलसे थे अगर उनका निजाम दरम बरम होने लगता तो फौरी मिनट पे कंट्रोल कर लेते, और ये आवाज का ही जादू था कि फौरी तौर पर उनको इमोशनल कर लेते और फौरी तौर पर उनको हंसा देते। उसके बाद ये मुनहस और मगदर चेहरों को विशाश करना, यानी गमगीन और परेशान चेहरों को पर मुस्कुराहट लाना, कि ये बहुत बड़ा फन है कि अगर कोई उदास है, कोई परेशान है, तो उन उदास और परेशानी चेहरे वालों को हंसी की तरफ लाना, यानी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, उनके गम को दूर करना, और ये गम को दूर करने का जो फन था वो नवाब मुस्लिम मुल्क के पास था, जादू था। उसके बाद जो दूसरों से काम लेने का सीखा, कि आपको बोलने का अंदाज ही ऐसा था, दूसरों से काम बहुत ऐसे तरीके से लेते थे, यानी
मेहर अमेजनदार, यानी इस मोहब्बत भरे अंदाज से वो बात करते हैं कि कोई बंदा इनकार करता ही नहीं। उसके बाद हिम्मत अफजाई कि अगर कोई काम करता तो उसकी हिम्मत अफजाई करते, उसको हौसला देते, उसको शाबाश देते। तो जब किसी को शाबाश देते, हौसला अफजाई करते, तो अगला बंदा जो है फिर और अच्छे तरीके से उनका काम करता। उसके बाद मुलाजमीन के साथ अच्छा बर्ताव कि आपके जो मेहतायत थे, आपके साथ जो काम करने वाले थे, उनके साथ हमेशा उसने सलूक से पेश आते, हमेशा अच्छे तरीके से जो है वो पेश आते। कि कोई भी काम हो इस अंदाज से कहते थे कि वो हंसी हसीन का काम जो है वो कर देते। उसके बाद मोहतातों की मोहतहकों की तन रही कि आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आप उनकी हौसला अफजाई ऐसे करते थे कि वो आपका हर काम जो है वो तन दही से करते, यानी दिलो जान से करते। उसके बाद जी आदमी पहचानने में खास मलका कि आपको आदमी को परखने की बहुत ज्यादा सलाहियत थी, महारत थी कि आप राह चलते आदमी को जब पहचान लेते कि ये किस लेवल का आदमी या इंसान है। और उसके बाद जी हर तरह के लोगों से काम लेने का सलीका कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन नवाब हुसैन मुल्क जो है चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उनको पता है कि अच्छा इंसान उससे किस तरह गुफ्तगू करनी है, कोई बुरा इंसान है गुस्से वाला उससे किस तरह गुफ्तगू करनी है। आप हर इंसान से जो है वो काम लेने का सलीका जानते थे। उसके बाद जी मुताले का शौक, यानी पढ़ने का शौक, यानी अखबार पढ़ते थे, उर्दू फारसी अरबी किताबें पढ़ते थे। कि आप अखबार भी रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते, आप उर्दू भी फारसी भी जो है वो भी रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते, और खास तौर पे इनकी जो गहरी दिलचस्पी थी वो अंग्रेजी से इनकी खास दिलचस्पी थी। कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अंग्रेजी जानते नहीं थे, लेकिन किसी से अंग्रेजी अखबार रसायल कुछ मजामीन जो है वो उर्दू की या फारसी की सूरत में ट्रांसलेट कर उसको समझते और पढ़ते थे। उसके बाद इनके घर का अगर मुताला करें तो कुतुब खाने में अलामिया की कुतुब का जखीरा, तो इनके पास जो किताबों का जखीरा था वो बहुत आला मियार, उस वक्त के आला मियार जो किताबें थी उनके पास थी, इनके जाती कुतुब खाने में थी, जो रोजाना की बुनियाद पर वो मुताला करते। और सबसे आखिरी जो पहला हमारा बनेगा नवाज साहब और सैयद अहमद खान है जी, ये खान नहीं है। उसके बाद जी सर सैयद की वफात के करीब उर्दू मुखालफत का आगाज कि सर सैयद के दोस्त, पहले बता चुका हूँ कि जब सर सैयद तकरीबन मरगुल मौत थे, मरने के करीब थे, तो उस वक्त उर्दू की मुखालफत जो है वो अरूज पर थी। तो उस वक्त नवाब मोहसिन मुल्क ने उर्दू की हमायत में जवान हिम्मत बूढ़े का कदम, यानी उस वक्त आपने एक अंजमन तरक्की उर्दू जो है उसकी बुनियाद रखी, और उस वक्त उसके कई अजलास में और सबसे जो बड़ा जलसा वो लखनऊ में पुरजोश तकरीर की कि आपने अंजमन तरक्की उर्दू का जो जलसा था लखनऊ में उसकी पुरजोश तकरीर की, जिससे बहुत सारा फायदा हुआ और उर्दू को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, मुसलमानों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। उसके बाद सर सैयद की जानशीन कि आप सर सैयद के जानशीन थे, और नवाब साहब का काम ही की बेहतरीन यादगार है कि नवाब साहब काम ही ऐसा कर गए कि अगर उनका कोई मजार बनाए या ना बनाए, लेकिन उनका काम जो है वही उनकी बेहतरीन यादगार है। तो अजीज तौरबा उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह।